कैसे हैं आप लोग। कल हमने डिस्कस किया था रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स या थ्रू लेंसेज की बात कर रहे थे। रिफ्रैक्शन बाय लेंसेज, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय लेंसेज। तो हम उसी के क्रम में आगे देखते हैं कि हमने ये भी डिस्कस किया था पिछले क्लास में कि जो फॉर्मूला हमने जनरल रिफ्रैक्शन का पहले देखा था कि म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू। इससे ही हमने लेंस का फॉर्मूला ड्राइव किया था, वन अपॉन एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस वन, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। तो अलग अलग लेंसेज के लिए हमने इसको देखा था कि बाई कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, बाई कॉन्केव लेंस में क्या होता, प्लेनो कॉन्वेक्स में क्या होता, प्लेनो कॉन्केव में क्या होता, ये हमने देखा था। अब आगे हम आज की क्लास में देखेंगे कि अलग अलग पोजीशन पर जो ऑब्जेक्ट रखे होते हैं लेंस के सामने, ख़ास तौर से कॉन्वेक्स लेंस के सामने, कॉन्केव में तो एक ही कंडीशन है लेकिन कॉन्वेक्स लेंस में अगर अलग अलग जगह पर अलग अलग ऑब्जेक्ट रखे होते हैं तो उनकी इमेज कैसी और कहाँ बनती है, तो ये हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलो वाइट बोर्ड खोलते हैं। वाई लेंसेस, तो इसमें कंडीशन ये होती है, हम पहले लेके चलते हैं कन्वर्जेंट लेंस की बात करते हैं। हम कन्वर्जेंट लेंस माने कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस ये इसका सेकेंडरी फोकस होता है, ये इसका प्राइमरी फोकस होता, ये इससे जो डबल डिस्टेंस पर पॉइंट होता है वो 2F कहलाता है, ये यहाँ पर 2F कहलाता है। तो और ये बीच में जो पॉइंट होता है पतले लेंस के लिए, ये ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है और ये एक्सिस कहलाती, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। तो जो हमने मिरर के लिए पढ़ा था फॉर्मूला वही है, अगर प्राइमरी फोकस से कोई लाइट रे जाती है तो लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद ये पैरेलल हो जाएगी। मतलब अगर यहाँ से कोई जाती है लाइट रे तो ये इससे जाने के बाद ये पैरेलल हो जाएगी।
प्रिंसिपल एक्सिस के, और अगर पैरेलल आ रही है तो प्राइमरी फोकस से होके निकलेगी, तो ये कंडीशन है इसकी, जो कि हमने अभी मिरर में पढ़ी थी वही लेंसेज की कंडीशन है। तो अगर लेंसेज में अलग अलग जगह पर जो ऑब्जेक्ट रखा होता है उसकी अलग अलग इमेज कैसे बनती है वो हम अब देखेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये एफ है सेकेंडरी फोकस, ये एफ है प्राइमरी फोकस, ये टू एफ है, ये टू एफ है। अब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मतलब इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये पैरेलल रेज जा रही है, तो ये फोकस से होके जाएगी, फोकस से जाएगी। और दूसरी जो है ये रहेगी। अब दोनों को हम अगर आगे बढ़ाते हैं तो हमने देखा अगर कोई ऑब्जेक्ट एफ और टू एफ के बीच, एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच रखा होता है तो इमेज कहाँ बनती है उसकी, बियॉन्ड टू एफ बनती है।
बियॉन्ड 2f बनती है, एन लार्ज बनती है और वर्चुअल बनती है। वर्चुअल किस सेंस में बनती? इस सेंस में बनती है, थोड़ा सा क्या है, ये इमेज जो हमने बनाई है, ये इमेज बनना चाहिए इससे, ये वर्चुअल इमेज बनती, बियॉन्ड 2f बनती, एन लार्ज बनती, वर्चुअल बनती है। तो नंबर पहला कंडीशन ये हो गया। दूसरी कंडीशन हम देखते हैं, ये एफ है, ये 2f है, इस साइड ये एफ है, ये 2f है, और अगर ये एफ पर रखी है ऑब्जेक्ट यहाँ पर, एफ से होके जाएगा, तो इससे क्या हुआ, ये आगे जाके पैरेलल रे जा रही हैं जो इन्फिनिट पे जाके बने मिलेंगी, तो ये एट इन्फिनिट मिलेंगी, ठीक, और उल्टा बनेगा ये इन्वर्टेड बनेगा, रियल बनेगा, एट इन्फिनिट बनेगा, एनलार्ज बनेगा। तो ये दो कंडीशन हो गई, और बताते हैं, एफ और 2f के बीच में रखा हो अगर, तो
ये एफ है, ये एफ है, टू एफ है, ये टू एफ है। तो इमेज कहाँ रखी है? एफ और टू एफ के बीच में रखी है। ये रे पैरेलल जाएगी इससे, तो ये एफ से होके पास होगी। ऐसे बियॉन्ड टू एफ बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, एनलार्ज बनेगा। अब एक कंडीशन है, ऑन टू एफ रखा हो, ये एफ है, ये टू एफ है, ये एफ है, ये टू एफ है, और ये इमेज रखी है टू एफ पर। तो एक रे यहाँ से जाएगी, ये प्राइमरी फोकस से होके निकलेगी, दूसरी रे जो है सीधी इससे जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, तो बिना मोड़े निकल जाएगी।
तो 2f पर ही दूसरी साइड इमेज बनेगी सेम साइज की उल्टी। तो ऑफ सेम साइज बनेगी इन्वर्टेड बनेगी रियल बनेगी। एक कंडीशन और रह गई, एफ टू एफ एफ टू एफ अगर यहाँ रखा हो कहीं इमेज, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हो टू एफ के पहले, यहाँ रखा है एक, तो ये सीधी जाएगी तो ये एफ से होके निकलेगी, और एक इसके ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। कहाँ बनी इमेज? एफ और टू बी एफ के बीच में बनी। कैसी बनी? स्मॉल बनी। बिटवीन F and 2F inverted small। तो ये सारी कंडीशन हो गई कंप्लीट। ठीक, अब हम एक कंडी और देखते हैं, M की वैल्यू। इसी में समझ लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट है ए बी, ये इमेज है ए डैश बी डैश, ये ऑप्टिकल सेंटर है ओ। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला एम का क्या होता? आई अपॉन ओ। तो आई क्या है? अपोजिट बन रही है तो माइनस में हो जाएगी, माइनस ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। ये किसके बराबर होगी?
ये माइनस है तो माइनस का साइन तो रहेगा ही इसमें, और ये यहाँ से देखा जाए हम दोनों अगर इसमें देखें इन ओ ए बी एंड इन ट्राइंगल ओ ए डैश बी डैश देखेंगे अगर, तो ए डैश अपॉन ए बी ये सिमिलर ट्राइंगल हैं, बोथ आर सिमिलर ट्राइंगल, ए डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा ओ बी डैश अपॉन ओ बी, ये हो जाएगा वी अपॉन यू के बराबर। तो जब ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा, वी तो पॉजिटिव होगा और यू उस साइड है तो ये नेगेटिव होगा, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, तो वी अपॉन यू की आएगा, एम की वैल्यू क्या होगी माइनस अपॉन आई अपॉन ओ और ए इसकी होगी ये। अब इससे फॉर्मूला हम फिट करते हैं यहाँ पर, एफ के टर्म में निकालना है हमें, तो एफ का क्या फॉर्मूला क्या आता है, वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू। अब इसमें हम सब में क्या करेंगे v का मल्टीप्लाई करेंगे, तो v अपॉन f इज इक्वल टू वन माइनस v अपॉन u, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा वन माइनस m हो जाएगा और ये हो जाएगा v अपॉन f। तो यहाँ से m को इस साइड लाएंगे ये, इसमें हम एम को इस साइड लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा इस साइड आकर के, ये हो जाएगा वन माइनस वी अपॉन एफ, तो ये हो जाएगा एफ माइनस वी अपॉन एफ, एम का फॉर्मूला इन टर्म ऑफ वी। अब दूसरे टर्म में निकालना है हमें, दूसरे टर्म में निकालना है, तो अब हमने v के और f के टर्म में निकाला था, अब u और f के टर्म में निकालेंगे, कलर थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा, वाइट ले लें, वन अपॉन
एफ इज इक्वल टू होता है 1 माइनस वी माइनस 1 अपॉन यू। इसमें हम सब में क्या करेंगे, अभी काय का मल्टीप्लाई किया था हमने, वी का किया था, अब यू का कर देंगे। तो यू अपॉन एफ इज इक्वल टू यू अपॉन वी माइनस वन। तो ये v अपॉन u की जगह यहाँ क्या हो जाएगा, 1 अपॉन m हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो ये हो गया u अपॉन f, 1 अपॉन m को वहीं रहने देंगे और इसमें ये f में 1 जोड़ देंगे इस तरफ। तो ये हो जाएगा u अपॉन f प्लस 1। तो ये हो जाएगा f प्लस u अपॉन f 1 अपॉन m। तो यहाँ से m की वैल्यू होगी f अपॉन u प्लस f। तो ये u और f के टर्म में m की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इतना ही हम अब डिस्कस करते हैं, एक चीज़ और देख लेते हैं। अभी हमने जो इमेजेस की कंडीशन बताई थी, किस कौन से लेंस के लिए बताई थी, कॉनवेक्स लेंस के लिए, कॉनकेव लेंस के लिए और देख लेते हैं। ये कैसा बन गया लेंस, ये बन गया बाई कॉनकेव लेंस। बाई कॉनकेव लेंस के लिए कंडीशन क्या है, बाई कॉनकेव लेंस के लिए जो कंडीशन है वो कहीं भी इमेज रखी हो, एक ही जगह इमेज बनती है, उसमें कुछ नहीं होता एफ या टू एफ कहीं भी रखी हो, कहीं भी रख दें इमेज ऑब्जेक्ट, इमेज एक ही जगह बनेगी। जैसे मान लो ये इसका है, एफ सेकेंडरी फोकस, ये है इसका सेकेंडरी फोकस और ये होगा इसका प्राइमरी फोकस, ठीक है। उसमें उल्टा होता है, जैसा उसमें होता ना, उसमें ये प्राइमरी होता है, ये सेकेंडरी होता है, इसमें ये प्राइमरी होता है, ये सेकेंडरी होता है। तो यहाँ पे सपोज करें कोई भी ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे रख देते हैं, तो इसमें एक एक जो रे जाएगी वो
फेल हल जाएगी इसकी, तो ये क्या होगी, ये क्या होगी, ये डाइवर्ज होगी, इधर जाएगी ये डाइवर्ज होकर के, डाइवर्ज हो गई और दूसरी जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, तो इसका क्या होगा, यहाँ पे उल्टा कैसा बनेगा, ये हमेशा वर्चुअल, इसके द्वारा हमेशा इमेज कैसी बनेगी, ये ऐसा बनेगा, ये इमेज कैसी बनेगी, डिमनेस बनेगी, और इसको हम इससे बनाते हैं जिससे और क्लियर हो जाए, ये इमेज बनी वर्चुअल, वर्चुअल बनी, इरेक्ट बनी और डिमनेस साइज की बनी, तो ये इतना हमने आज बताया आपको कि अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग इमेज कैसी बनती हैं। ठीक, आगे जो इसके अन्य पार्ट हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक।